हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कस्टमाइज कैसे करेंगे अपने वर्डप्रेस थीम को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वर्डप्रेस की सारी बेसिक सेटिंग्स समझ ली है। आप सीख चुके हो, आपको लोगो कैसे अपलोड करना है, हेडर कैसे देना है, फुटर कैसे देना है, पोस्ट क्या होता है, साइज का लेआउट कैसे करते हैं डिज़ाइन, तो सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीख ली है। अब आप एक थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग अपने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है वो देखेंगे, जो पिछले 10-12 वीडियो में आपने सीखा हुआ, आज उसका सारा का एक साथ प्रैक्टिकल करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी थीम का डेमो कंटेंट इम्पोर्ट कर लिया है, तो हम लोग अभी वही देखेंगे कि कोई भी थीम का अगर आप डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर लेते हो या थीम को कस्टमाइज करना है तो उसको हम लोग कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे। जो पिछले 10 वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ है, सीखा हुआ है, उसी को हम लोग आज प्रैक्टिकल यहाँ पर करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपेयरेंस, ये हम लोग का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर अपेयरेंस, अपेयरेंस के अंदर हमें जाना है कस्टमाइजेशन के ऊपर। कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा कस्टमाइज टैब जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा पूरा डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो चुका हो है। थीम इंपोर्ट कैसे करते हैं, डेमो कंटेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं, आप में से किसी को अगर मालूम नहीं है, किसी ने हमारे पहले प्रीवियस सेशन देखा नहीं है, तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आप सभी के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इसको कस्टमाइज करने के लिए। तो यहाँ पर आप आओगे, देखिए ये व्यू प्रो फीचर्स है। ये प्रो फीचर्स हमारे अभी फिलहाल किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम लोग ने फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोई पेड थीम ले नहीं रहे। लेआउट हमें एज इट इज़ सही पसंद है, क्योंकि जब आप कोई भी डेमो इंपोर्ट करके लेते हो तो आपको उसका लेआउट पहले ही पता चला हुआ रहता है, आपको वो पसंद है तभी आपने लिया हुआ है उसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वो हेडर। हेडर में हमें लोगो है करना है सेट, तो चेंज लोगो। तो फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मैं बस आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर चेंज लोगो के टाइम पे आपको क्लिक करोगे, आपको सेलेक्ट करना है डिस्प्ले में वो कैसे होना चाहिए, सिर्फ लोगो डिस्प्ले होना चाहिए या लोगो के साथ टैगलाइन आनी है, तो वो आपको डिसाइड करना है। साइट टाइटल, अगर आपको साइट टाइटल देना है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। टैगलाइन कोई देनी है तो वो दे सकते हो, और उस हिसाब से आपको चूज करना है कि मैं सिर्फ लोगो दिखाना चाहता हूँ, लोगो टाइटल एंड टैगलाइन, अगर वो तीनों दिखाना है तो किस हिसाब से, कि फर्स्ट लोगो फिर टाइटल एंड उसके अंदर टैगलाइन, तो यहाँ से वो आप सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ फंक्शंस है हेडर मेन में, ये लोगो और आइडेंटिटी का है, ये सर्च जो हम लोग ने यहाँ से लिया हुआ है इसको कैसे करना है, तो सिंपली आपके बार पे यहाँ पर आना है, उसको चूज़ करना है और कोई बटन देना है। समझो एज अ बटन मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं एक बटन यहाँ पर बटन आया, उसको एडिट करना है तो बटन पे मैं जो गेयर आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा। साइड में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर डिटेल आई हुई है। यहाँ पर मैंने एक प्री डिफाइंड एक लिंक दी है, जो अपनी वेबसाइट के होम पेज की लिंक है, और यहाँ पर बटन बटन को हम लोग और कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइटल देना है तो वो देंगे, एज अ बटन के अलावा हमको कुछ उसमें ये करना है, उसका लेआउट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन स्टाइल, स्टाइल में बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है उसके, तो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इस तरह से कुछ लिया हुआ है बैकग्राउंड में, तो वो वहाँ पर डिस्प्ले हो गया ग्रीन कलर। टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, जैसे कि मैं रेड करना चाहता हूँ टेक्स्ट को वाइट के जगह पर, तो वो वाइट आ जाएगा अपना। रेड, सॉरी, रेड करना चाहता हूँ तो रेड कलर मैंने चूज़ किया, वो रेड कलर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मुझे बटन नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग को हेडर सेट करेंगे। फुटर, फुटर के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी फुटर में, तो फुटर में कॉपीराइट का एक सेक्शन है, ये डिफ़ॉल्ट फुटर आया हुआ है उनकी तरफ से, लेकिन हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो
तो फूटर कलर चेंज, फूटर कलर अभी यहाँ पर ब्लैक है, मैं ब्लैक नहीं देना चाहता हूँ, मुझे देना है ब्लू या फिर कुछ इस तरह का, तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से और वो कलर चेंज हो जाएगा। लेआउट है फुल विद कंटेंट, जो आपको देना है वो, यहाँ पर मैप्स दिया हुआ है उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ अलग हमको देना है तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं उसको चेंजेस। तो फिलहाल मैं इसे भी एज इट इज रख रहा हूँ। कलर्स एंड बैकग्राउंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पूरे थीम का कलर्स, लिंक कलर है तो लिंक का कलर, बैकग्राउंड का कलर है तो बैकग्राउंड कलर, वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइटली ग्रे कलर रखा हुआ है, उसे ही मैं, उसको चेंज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा जो भी कलर चाहिए। अगर आपके पास कोड है, आपको जैसे मैंने बताया कलर कहाँ से चूज़ करना होता है, तो वो सेटिंग्स आपको मालूम है। कलर्स डॉट को एक अच्छी लिंक है, उस वेबसाइट पे आप कोई भी कलर पैटर्न चूज़ कर सकते हो इजीली, और उसका कोड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। टाइपोग्राफी जनरल में आएंगे हम लोग, यहाँ पर रोबोटो, फिर फॉन्ट साइज है, आपको रोबोटो के अलावा कोई अलग से फॉन्ट चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे फॉन्ट ऑलरेडी प्री लोडेड यहाँ पर रहते हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। बटन्स है, बटन्स को अगर आपको देना होगे तो मोस्टली यहाँ पर जैसे एक बटन दिख रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पर आप जो भी कलर डिज़ाइन करोगे, सेट करोगे, तो वो कॉमनली आपके वेबसाइट पे आप जब भी बटन दोगे तो उसके लिए वो प्री डिफाइन यही रहेगा, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। जैसे कि यहाँ पर वाइट दिख रहा है तो वो वाइट ही आएगा। आप पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई बटन देना चाहते हो और वहाँ से उसका डिज़ाइन लेआउट के हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर दिया है तो वो आपको कंपलसरी हर जगह पे रखना ही होगा। यहाँ पर दिया है यानी ये आपका काम इजी कर रहा है कि जब भी आप दोगे, आपको लग रहा है कि मेरे थीम का कलर, समझो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनिश मेरा थीम कलर है, ग्रीन एंड वाइट में, ठीक है, तो मैं ग्रीन एंड वाइट में का कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पर लिया हुआ है, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, वो कलर बैकग्राउंड का मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, वाइट टेक्स्ट कलर सेट कर दूंगा, तो मुझे हर बार बटन का लेआउट चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे थीम के हिसाब से ही ऑटोमेटिक हर जगह पर सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई पेज अगर आपको लगता है कि मैं और उसको बेहतरीन कर सकता और वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग होगा, तो उस सिनेरियो में आप बटन पर्टिकुलर जगह से भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक हो गया हेडर, हो गया फूटर, कलर एंड बैकग्राउंड देख लिया हम लोगों ने, टाइपोग्राफी देख ली, बटन्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे मेन्यू, मेन्यू आपको मैंने बताया हुआ है, शायद ये मेन्यू का कॉलम हम लोग का रह गया है। इसके लिए अलग से मैंने कोई सेशन नहीं इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ही छोटा सेशन है, इजी है, उसके अलग से कोई टॉपिक की ज़रूरत नहीं थी, अलग वीडियो एक 5-10 मिनट का उसके ऊपर वीडियो बनाता था तो आपको ये बोरियत होती थी, तो उसके लिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। काफ़ी सिंपल है, मैंने ऑलरेडी मेन्यू के बारे में मैं पिछले कुछ वीडियो में, एक दो वीडियो में उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, मैंने बताया हुआ है कैसे सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी मेन्यू है, फुटर मेन्यू है, सेकेंडरी मेन्यू है, यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से मेन्यू हमको देने हैं। प्राइमरी मेन्यू में हम लोग सेट करेंगे यहाँ से प्राइमरी मेन्यू, तो प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर आपको अपर साइड में आ जाएगा, हेडर टॉप जो भी आप सेलेक्ट करोगे। अभी हम लोग के पास कोई कोई पेज क्रिएट नहीं है तो हम लोग उसके अंदर ज़्यादा जाएंगे नहीं डीप में। नया कोई मेन्यू आपको बनाना है, सिंपल है, यहाँ पर आओगे मेन्यू में, मेन्यू का नेम दे दीजिए, यहाँ पे हेडर टॉप जैसे मैंने दिया है, अब यहाँ पर मैं एक और देता हूँ फुटर टॉप, कोई मीनिंग नहीं है इस नाम का लेकिन फिर भी ठीक है। ऐड आइटम, यहाँ पर होम हो गया, ब्लॉग, जेल, जो भी पेजेस क्रिएट रहेंगे उस हिसाब से, अगर पोस्ट है आपको पोस्ट लेने हैं तो पोस्ट में से भी कोई सेक्शन आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने और दो सेक्शन पोस्ट में से ले लिए। कैटेगरी, कैटेगरी का सेक्शन हम लोग ले सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से लो जो भी आपको मेन्यू में देना है और उसको सेव कर दो तो एज ए पब्लिश कर दोगे तो वो आपका पब्लिश में आ जाएगा।
जहाँ पर भी उसका लोकेशन सेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मेन्यू में हम लोग ने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर लोगो एंड सर्च बार ही दिया हुआ। अगर हम लोग इससे फुटर टॉप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर में गए हम लोग और ये जो हम लोग का सेक्शन था ऊपर का टॉप में, तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्राइमरी मेन्यू। अब प्राइमरी मेन्यू में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी मेन्यू हमारा रहेगा फुटर टॉप। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम लोग का प्राइमरी मेन्यू आ गया। होम, ब्लॉग, जेल, ये दो चीज़ ब्लॉग में से हम लोग ने उठाए थे तो वो आ गया। तो काफ़ी इजी है, इसके लिए अलग से वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। आप थोड़ा गो थ्रू करोगे, वर्डप्रेस पे आओगे तो इजीली आपको खुद समझ में आ जाएगा। खाली ध्यान रखिए कि पहले कोई पेजेस आप खुद से क्रिएट कीजिए, और मोस्टली मेन्यू सेक्शन में तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि पेजेस ही यहाँ पर रहते हैं। जैसे होम का पेज, तो ये डिफ़ॉल्ट आपका होम पेज आ गया। बाद में एक अबाउट अस का पेज होता है, तो अबाउट अस का पेज हो गया। फिर एक कॉन्टैक्ट अस का एक पेज जो आपको क्रिएट करना पड़ता है कि कस्टमर आपका कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करे, कहाँ से वो आपका जो भी कस्टमर आएंगे विजिट करेंगे उसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसके लिए कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दे। तो वही दो तीन पेजेस होते हैं, बाकी तो डायरेक्ट ब्लॉग एंड दूसरा कोई चीज़ अगर आपको स्पेशली देना है तो वो, बस यही है। तो मेन्यू हो गया। विडगेट, विडगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड बार में हमें कौन कौन से विडगेट चाहिए, अभी यहाँ पर हम लोग ब्लॉग में है, जैसे ये ब्लॉग पे हम लोग आते हैं। देखिए मैं इन डिटेल सारी चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डेप्थ में ऑलरेडी मैंने हर एक सेक्शन के लिए एक वीडियो आपको स्टार्टिंग में ही दिया है। तो बस इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों का मैं पॉइंट लूंगा। अब देखिए यहाँ पर विडगेट है, यहाँ पर सर्च बार, आप देख पा रहे हो ये सर्च बार आ गया साइड बार का। ठीक है, रिसेंट पोस्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, रिसेंट कमेंट, थर्ड चीज यहाँ पर आप देख रहे हो रिसेंट पोस्ट, ये देखिए आप। अब यहाँ में से आपको कुछ नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं रिसेंट पोस्ट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो आप देख पाओगे रिसेंट पोस्ट यहाँ पे अभी है नहीं। अब मैं ये जो सेक्शन है रिसेंट पोस्ट का वो भी निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब देख पा रहे हो वो भी नहीं है। ठीक है, और ऐड कैसे करना है, सिंपल यहाँ पर ऐड विडगेट का एक ऑप्शन आपके पास है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे कि मैं अब लेना चाहता हूँ यहाँ पर से कुछ इमेज या गैलरी, गैलरी में लेता हूँ, चूज करता हूँ और इसको मैं अप में ड्रैग करता हूँ। अब इधर यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ की। रिसेंट कमेंट अगर आपको ऊपर चाहिए तो ऊपर आएगा, उसे अगर आप एकदम लास्ट में लेना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है वर्डप्रेस, काफ़ी इजी होता है यूज़ करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए। आपको थोड़ा बहुत जानकारी वर्डप्रेस की बस होनी चाहिए, बाकी काफ़ी इजी इजी टू यूज़ है ये। तो ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, उसके बाद सिंपली पब्लिश कर दीजिए। अब देखिए आप गैलरी का जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हो, यहाँ पर गैलरी आ नहीं रही, तो आप कंफ्यूज होंगे बाकी सारे कि गैलरी मैंने ऐड किया है लेकिन आया नहीं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई टाइटल दिया नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ कि गैलरी, आप देख पाओगे यहाँ पर अभी गैलरी डिस्प्ले होगी थोड़ी देर में। ऐड इमेज, यहाँ से आप इमेज पे, ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए, कोई भी इमेज, मल्टीपल इमेज भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं दो तीन इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, यह दो तीन इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और सिंपली क्रिएट अ न्यू गैलरी एंड इंसर्ट गैलरी। अब यहाँ पे लगभग मैंने 6 पोस्ट 6 इमेजेस यहाँ पर दे दिए, आप देख पा रहे होगे अभी ये गैलरी मेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, मैं अभी फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे गैलरी की ज़रूरत है नहीं। और जब भी आप एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी आप कोई भी सेक्शन में जाके कुछ चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस के बाद हमेशा पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, ताकि वो आपने जितने भी चेंजेस करके रखे हुए हैं वो सेव होते जाएंगे। कभी कुछ गलती से अगर आप टैब क्लोज कर दिए तो आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। तो पब्लिश करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर है।
विडगेट हो गया होम पेज सेटिंग। होम पेज में यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा होम पेज होगा, तो इसके बारे में भी आपको मालूम है। मोस्टली ब्लॉग होगा, आपको ब्लॉग देखा ना है तो ब्लॉग दिखेगा। जेल यहाँ पे मोस्टली आपका होम पेज जो आप प्री डिफाइन करोगे पेजेस के अंदर वो आता है। कोई भी पेज जो आप डिजाइन कर रहे हो एज अ होम वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ब्लॉक के लिए आपको ब्लॉक ही रखना है, ये डिफॉल्ट रहेगा, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिशनल सीएसएस, अभी एडिशनल सीएसएस क्या होता है? देखिए एडिशनल सीएसएस ये हम लोग ने अभी तक कवर नहीं किया हुआ है। थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था, एक वीडियो मैंने बनाया था सीएसएस के बारे में, लेकिन जो यहाँ से एडिशनल सीएसएस है उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। तो एडिशनल सीएसएस बेसिकली, अगर किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर पेज पे आके मैं जब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्स्ट का कलर पसंद नहीं है इस पेज पे, पर्टिकुलर पेज पे, या मुझे कोई बटन देना है, या यहाँ का पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है साइड बार का, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ सिंपल कुछ कोड्स को एंटर करते हुए। अगर आप मेन थीम में जाओगे और वहाँ से कुछ चेंजेस कर दोगे और वो अगर प्रॉपर नहीं होते हैं तो आपकी पूरी थीम बिगड़ सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरी थीम में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर पेजेस रहते हैं जहाँ पर हमें कुछ अलाइनमेंट का सेटिंग करना होता है, हमारे प्रॉपर तरीके से हम लोग जो सेटिंग चाहते हैं यहाँ पर, या डिस्प्ले करना चाहते हैं कोई सेक्शन, कोई बॉक्सेस, उसका अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो रहा है पर्टिकुलर पेज पे, तो उसके लिए हम लोग पूरे थीम का सेटिंग नहीं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको पर्टिकुलर पेज पे आए, उसको एडिट कर रहे हो और एडिट करते हो उसको, यहाँ से कुछ कोडिंग में डाल के एडिशनल सीएसएस है उसको आप कोड डाल दो जिस हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। उसके कोड्स कैसे देखने होते हैं, पर्टिकुलर कोड किस चीज़ का, पर्टिकुलर कोड क्या हो सकता है, वो कैसे हमें चूज करना है। आपको अगर ब्लॉगिंग एचटीएमएल कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो उसका भी मैं लिंक अपने आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप वो भी वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो सीएसएस कोड हमको चूज करने हैं। अगर आपको टेबल देना है, किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कोई लेआउट का अगर साइज छोटा करना है, तो पर्टिकुलर कोड से हो जाता है। और वो सारे कोड कैसे सर्च करने हैं मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो देखिए, यहाँ पर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो देखिए इस तरह से सारे सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है, बहुत सिंपल इजी है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। एक्चुअली ये वीडियो हमारे लिस्ट में नहीं था, इसे हम लोग करने वाले नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने डिटेल में शुरू में ही ले ली थी, लेकिन आप में से दो तीन यूज़र का मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर एक बार आप एक सिंगल वीडियो बनाइए जहाँ पर पूरा कस्टमाइजेशन आप समझा दोगे। तो बहुत ही शॉर्टली क्विकली जितना मैं जल्दी कर सकता था उतने जल्दी जल्दी मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए ताकि मैं आपके लिए कोई वीडियो ला सकूँ। तो वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो बेल का आइकॉन जो है उस घंटे को ज़रूर बजाइएगा ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले सबसे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो अब मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।